Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to study about our today's chapter which is science useful. So basically this chapter talks about what is the practical use of science. So this is a big question mark, ठीक है कि practical use क्या है science का. So we are going to study about it in this chapter. So now let us start reading our chapter. So science क्या है basically? Science ना knowledge है हमारी surroundings के बारे में जो हमें मिलती है, ठीक है. सो साइंस इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट्स मतलब सारे जो यूनिवर्स के पॉइंट्स हैं, सारी जो यूनिवर्स के प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है. सो प्लांट ग्रोथ से लेके हमारे गैलेक्सीज तक हमें सब कुछ साइंस से ही पता चलता है, ठीक है. अगर साइंस होती ही ना तो हम मतलब आज भी अंधेरे में जिए होते, लाइट बल्ब का कभी इन्वेंशन ही ना होता, ठीक है. तो साइंस हमें हमारी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर कराता है और हमें बताता है कि मतलब चीज़ें कैसे चलती हैं, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है. कि वो मतलब हमें यूनिवर्स के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है. वी नो दैट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हैज़ रिजल्टेड इन इननम्बरेबल इन्वेंशंस एंड बाय लार्ज दीज इन्वेंशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है. कि हमें पता है कि साइंटिफिक रिसर्चेस की वजह से हमें बहुत सारे इन्वेंशंस मिले हैं एंड हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. मतलब हम कहाँ मतलब काम आदिवासी होने से लेकर मतलब आज इतने डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है. सो इसीलिए इन्वेंशंस होने के वजह से, रिसर्चेस होने के वजह से हमारी जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई, ठीक है. So however, is it possible to tell the scientist in the laboratory that he or she can conduct a study or research only if its utility can be shown? कि क्या मतलब आप imagine कर सकते हो कि आप किसी फैक्ट्री में जाओ एंड किसी भी साइंटिस्ट को पूछो जो वहाँ पे रिसर्च कर रहा है कि आप जो ये रिसर्च कर रहे हो क्या आपको ये आइडिया है कि इसका मतलब आने वाले समय में या फिर अगर इसका कोई भी इन्वेंशन होगा कि क्या इसका इन्वेंशन होगा भी एंड अगर होगा तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा. सो ऑब्वियसली ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, बट That thing is just existing as an idea, ठीक है. कि जो भी कुछ जिस चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा है वो एक आइडिया की तरह एग्जिस्ट करता है एंड द साइंटिस्ट इज़ गिविंग इट अ फिजिकल रियलिटी, ठीक है. कि साइंटिस्ट उसको मतलब सच होने का कि क्या इसका कुछ यूज़ हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, वो भी यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फॉलोइंग एसे इन विच अ फेमस राइटर्स आंसर दिस क्वेश्चन के क्या साइंस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है, कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइंस. तो इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो हियर इज़ अ स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो इसमें क्या है कि इट इज़ अ फेट ऑफ साइंटिस्ट टू फेस अ कॉन्स्टेंट डिमांड दैट ही शो हिज लर्निंग टू हैव सम प्रैक्टिकल यूज. कि ये मतलब साइंटिस्ट को मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारी ये जो भी रिसर्च है, तुम्हारी ये जो भी थ्योरम्स हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है. कि इनको हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं. येट इट मे नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट टू हिम टू हैव सच ए प्रैक्टिकल यूज़. ही मे लाइक फील दैट द डिलाइट ऑफ लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉबिंग द यूनिवर्स इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड. कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतलब साइंटिस्ट सोच में पड़ जाए कि हाँ मतलब ये भी मैं सोचता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ है क्या, बट कुछ को मतलब इंटरेस्ट का ये बात नहीं लगेगा, बिकॉज कुछ को लगेगा कि जो मतलब यूनिवर्स के बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना, ठीक है, वो ही मतलब एक अपने ही टाइप में एक ट्रेजर है, अपने ही टाइप में एक रिवॉर्ड है. उसका मतलब प्रैक्टिकल यूज़ होना उसको मतलब कुछ ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट का नहीं लगेगा, ठीक है. उसको ऐसा लगता है कि उस चीज़ की नॉलेज होना ही बहुत है, उस चीज़ की नॉलेज होना ही उसे खुशी देता है कि हाँ मुझे पता है कि चीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है. सो इट इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड. देर इज़ अ फेमस स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट हु अराउंड 370 BC मतलब ये हज़ारों सालों से भी पहले की बात हो रही है, ठीक है. तो तभी किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं था, तभी उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आज उनका फ्यूचर में मतलब क्या क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है. उस जमाने में मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना, दे वर जस्ट लाइक
एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो सिर्फ एक आइडिया की तरह एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. उसका कुछ भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं माना जाता था कि हाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं बस बहुत है, हमें जॉब मिल रहा है, मतलब हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है कि हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा है. बट मतलब उनको भी ये कुछ इंटरेस्ट का चीज़ नहीं लगता था कि हाँ इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है. तो ये स्टोरी है एक स्टूडेंट की जो मतलब ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो को पूछता है. सो मतलब इसमें भी कई सारे मेंशंस वगैरह किए थे. तो वो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो को पूछता है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लेटो, के जो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हम के एब्स्ट्रैक्ट थ्योरम्स या फिर जो भी हम लाइक फार्मूलाज वगैरह आज पढ़ रहे हैं, क्या उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है लाइफ में? तो फिर प्लेटो क्या बोल रहे हैं, प्लेटो एट वंस इंस्ट्रक्टेड अ सर्वेंट टू गिव द स्टूडेंट अ स्मॉल कॉइन सो दैट ही माइट नॉट थिंक दैट ही हैड गेन नॉलेज फॉर नथिंग. के अगर साइंस ना होती, ठीक है, अगर उसने मतलब कभी रिसर्चेज ही ना कंडक्ट किए होते तो कॉइन कैसे मिंट होते हैं ना. आप सोचो कि अगर कभी कोई भी रिसर्च ना होती होती, कोई भी स्टडी ना हुई होती, तो क्या कॉइन्स इन्वेंट होते? नहीं. अगर कोई भी स्टडी ना हुई होती तो क्या हमें नंबर्स के बारे में पता चलता 1, 2, 3? नहीं. तो फिर प्लेटो ने क्या किया, उसको एक मतलब कॉइन दे दिया स्टूडेंट को, तुम ये देखो ये कॉइन है, ठीक है. अगर हम लोग आज स्टडी नहीं कर रहे होते तो क्या हम कभी कॉइन इन्वेंट कर पाते? नहीं. क्या हमें नंबर्स के बारे में पता चलता? नहीं. सो व्हाई वुड टुडे डाउट दैट मैथमेटिक्स हु वुड टुडे डाउट दैट मैथमेटिक्स हैज इट्स यूजेस. मैथमेटिकल थ्योरम्स प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन फॉर इंस्टेंस द टेलीफोन नेटवर्क दैट नेट्स द वर्ल्ड टुगेदर. तो आज मतलब कोई भी इस चीज़ को डाउट नहीं करेगा कि मैथ्स जो है मतलब हमारी हर किसी लाइफ में, हमारी हर जो हमारा एस्पेक्ट है लाइफ में, मतलब कोई भी हमें काम करना हो लाइफ में, कोई भी हमें जॉब लेनी हो, ठीक है, मतलब चलो जॉब की बात छोड़ो, जो भी हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं ना उसमें भी मैथ का यूज़ है. फॉर एग्जांपल अगर आप कभी नंबर डायल करते हो, नंबर्स, अगर कभी हम पढ़ा ही ना होता हमने कभी, तो हमें पहले नंबर्स के बारे में पता चलता? नहीं, है ना. अगर हमने मैथ्स ना पढ़ा होता, मैथमेटिकल थ्योरम्स के बारे में ना पता होता, तो हम मतलब कभी ऐसे पेरीमीटर एरिया वगैरह फाइंड आउट कर सकते? नहीं. सो मैथमेटिकल थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वही एग्ज़ाम्पल दी हुई है टेलीफोन नेटवर्क की. टेलीफोन नेटवर्क नंबर्स डायल करते हैं, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर नंबर्स ही नहीं इन्वेंट हुए होते तो टेलीफोन भी नहीं इन्वेंट होता होता, ठीक है. सो मैथमेटिकल थ्योरम्स ऑल्सो हैज इट्स यूजेस. सो दिस स्टोरी ऑफ प्लेटो फेमस फॉर 2000 ईयर्स हैज़ नॉट मेड मैटर्स प्लेनर टू मोस्ट पीपल. कि क्या है कि ये जो प्लेटो की स्टोरी है मतलब ये इंटरेस्टिंग तो है एंड इससे कुछ एस्पेक्ट्स क्लियर भी हो जाते हैं कि क्या साइंस के प्रैक्टिकल यूज़ हैं. बट स्टिल मतलब काफ़ी लोग ना सेटिस्फाइड नहीं थे प्लेटो के आंसर से. सो अनलेस द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू डिस्कवरी इज क्लियर एंड प्रेजेंट मोस्ट पीपल आर डाउटफुल अबाउट इट्स वैल्यू. कि जब तक किसी चीज़ का मतलब प्रैक्टिकल यूज़ उनको फिजिकली ना दिख जाए, अभी चलो उसने बता तो दिया कि हाँ ये कॉइन ऐसा बनता है, बट उसका कोई फिजिकल यूज़ जब तक ना हो तो काफ़ी सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा एंड उसकी वैल्यू को वो डाउट करेंगे. अ स्टोरी अबाउट द इंग्लिश साइंटिस्ट मिशेल फैराडे इलस्ट्रेट्स द पॉइंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिशेल फैराडे. इन हिज टाइम फैराडे वॉज एन इनॉर्मसली पॉपुलर लेक्चरर, मतलब जो बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लाइक कॉलेज वगैरह में, ठीक है, प्लस वन प्लस टू हो गया, तो उनको पढ़ाने मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टीचर था, एज वेल एज अ फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट ऑफ द फर्स्ट रैंक. इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स इन 1840s ही इलस्ट्रेटेड द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ अ मैग्नेट इन कनेक्शन विद द स्पायरल कॉइल ऑफ वायर विच वॉज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर दैट वुड रिकॉर्ड द प्रेशर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट. सो बेसिकली मतलब आई नो द साइन इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो तो इसमें क्या है ना, एक मैग्नेट है, ठीक है, उसका अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है एक स्पायरल कॉइल. स्पायरल मतलब जे शेप होता है उसका, कि उसका एक स्पायरल कॉइल की तरफ मतलब रिएक्शन दिखाया जा रहा है विच इज़ कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या है, जो करंट को मेजर करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको मेजर करता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट अभी अगर आप उसका आज के ज़माने में बात करो तो उसके बहुत सारे यूजेज है ना. जो हमारे घर में बिजली बनती है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनती है, बल्ब जलते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होती है, ठीक है. बट
उस जमाने तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था ना कि कभी इलेक्ट्रिकल बल्ब्स भी इन्वेंट होंगे, जनरेटर्स वगैरह भी इन्वेंट होंगे, ठीक है. सो एट द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर वन मेंबर ऑफ द ऑडियंस अप्रोच फराडे एंड सेड, मिस्टर फराडे, द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेट एंड कॉइल ऑफ वायर वाज इंटरेस्टिंग बट ऑफ व्हाट पॉसिबल यूज कैन इट बी. ठीक है, कि मतलब जब उसका लेक्चर एंड हो गया, जब फराडे ने मतलब ये पूरा लेक्चर कर दिया उसका, साइंस का टीचर जब वो जा रहे थे क्लास का, एग्जिट कर रहे थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मतलब आपका ये जो मतलब जो भी ये रिएक्शन है मैग्नेट का एंड वायर का, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है. ठीक है, तो फिर फराडे ने क्या आंसर दिया कि सर ऑफ व्हाट यूज इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी, कि एक न्यू बॉर्न बेबी किस यूज़ का है. ठीक है, कि आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि एक न्यू बॉर्न बेबी, आपको थोड़ी ना पता है कि वो बड़ा होके क्या बनेगा. ठीक है, क्या वो पुलिसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो जॉबलेस ही हो, ठीक है, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, बट स्टिल वी डू लाइक उसकी हम फिर भी केयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. सो ऑफ व्हाट यूज इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी, कि न्यू बॉर्न बेबी किसी यूज़ का नहीं है, बट फिर भी हम उसको वैल्यू करते हैं, है ना. सो इट वॉज प्रिसाइसली दिस फिनोमिना हुज यूज़ वॉज क्वेश्चन बाई वन मेंबर ऑफ द ऑडियंस दैट फराडे एम्प्लॉयड टू डेवलप द इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी चीपली एंड इन क्वान्टिटी. सो ये जो मतलब उसका थ्योरम था ना मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकल वायर का, जो भी ये रिएक्शन हुआ था उसको मतलब फर्दर साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, एंड उसका मतलब बाद में क्या आउटकम निकला, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल जनरेटर का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, तो उस ऑडियंस को, उस स्टूडेंट को तो कुछ भी नहीं पता था कि इस चीज़ का क्या यूज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में, इस चीज़ का क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है. फराडे को भी कुछ नहीं पता था कि इस लाइफ इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, बट फिर भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया. ठीक है, सो एट दैट टाइम फराडेज आइडिया वॉज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, कि जो फराडे का आइडिया था वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह था, मतलब कुछ भी नहीं पता था कि इस चीज़ से क्या हो सकता है. ठीक है, बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल जनरेटर इन्वेंट हुआ, जो आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है. सो इवन द श्रूडेस्ट ऑफ मैन कैन नॉट ऑलवेज जज वट इज़ यूजफुल एंड वट इज़ नॉट, कि इवन द श्रूडेस्ट ऑफ मैन, कि चाहे आप जितने ही समझदार हो, आप उस चीज़ को देखते ही नहीं जज कर सकते कि क्या वो चीज़ यूजफुल है या फिर नहीं है. देयर नेवर वॉज अ मैन सो इंजीनियसली प्रैक्टिकल इन जजिंग द यूजफुल एज थॉमस अल्वा एडिसन. सो थॉमस अल्वा एडिसन इज़ अ बिग 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 नेम इन साइंस. ठीक है, चाहे आपने कभी इनके बारे में नहीं भी पढ़ा होगा, आपने मतलब उड़ते उड़ते इनका नाम ज़रूर सुन लिया होगा. ठीक है, हर किसी चीज़ में, आई थिंक टीवी प्रोग्राम, रियलिटी शोज़ वगैरह में भी इनका नाम काफ़ी ज़्यादा मेंशन होता है. सो देयर वॉज नेवर अ मैन सो इंजीनियसली प्रैक्टिकल, कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे. ठीक है, श्योरली द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर दैट एवर लिव्ड, एंड वी कैन टेक हिम एज एन एग्जाम्पल. इन 1879 ही प्रोड्यूस अ फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट. ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिकल लाइट बनाया. के लाइट बनाया, एंड इन हिज एफर्ट्स टू मेक द ग्रोइंग फिलामेंट इन द लाइट बल्ब लास्ट लॉन्गर, ही नोटिस दैट द करंट सीम टू फ्लो फ्रॉम द फिलामेंट टू द वायर अक्रॉस अ वैक्यूम. ही इग्नोर्ड इट बिकॉज ही नीदर अंडरस्टूड इट नॉर फाउंड एनी यूज फॉर इट. तो क्या हुआ ना, 1879 में उसने मतलब जब इलेक्ट्रिकल लाइट को इन्वेंट किया था, तो वो मतलब उसने चलो इन्वेंट तो कर दिया, बट वो लाइट क्या करती थी, थोड़े से देर के लिए मतलब जलती थी, फिर बुझ जाती थी. ठीक है, सो मतलब क्या क्या उसने फिर क्या क्या चीज़ को नोटिस किया, कि जो करंट है वो एक वैक्यूम के थ्रू फ्लो कर रहा है, वैक्यूम मतलब कुछ भी हवा ना होना. तो उस समय उसको पता नहीं था कि कौन सी गैस को इंसर्ट किया जाए बल्ब में, ताकि मतलब बल्ब ज़्यादा देर तक जगा रहे. मतलब उसने क्या कर दिया कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बिकॉज उसको लगा कि चलो लाइट बल्ब इन्वेंट हो ही गया है. ठीक है, मतलब उस चीज़ का फिर उसने इंटरेस्ट ही छोड़ दिया, कि उसका मतलब कोई भी उसको यूज़ नहीं लगा, इलेक्ट्रिकल करंट का ही कोई उसको यूज़ नहीं लगा. हाउएवर दिस फिनोमेना वाज लेटर स्टडीड बाय अदर साइंटिस्ट, एंड सम इयर्स लेटर जॉन एब्रॉस फ्लेमिंग मेड यूज ऑफ द एडिसन इफेक्ट एज इट लेटर बिकेम टू बी कॉल्ड इन हिज करंट
रेक्टिफायर। तो फिर क्या हुआ, ये जो फिनोमिना था ना, ये जो उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल करंट पैदा किया था, तो उसके ऑब्वियसली उन्होंने रिकॉर्ड्स तो रखे होंगे, है ना। तो थॉमस एल्वा एडिसन के मतलब रिकॉर्ड से इस फॉर्मूला को दोबारा स्टडी किया गया, ठीक है। देन क्या हुआ, फर्दर ऑन जब इस फॉर्मूला को स्टडी किया गया, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। तो तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल बल्ब का इन्वेंशन, एंड 1906 दिस लेड द अमेरिकन इन्वर्टर ली डी फॉरेस्ट टू इन्वेंट द रेडियो ट्यूब। इन फैक्ट द रेडियो ट्यूब मेड ऑल ऑफ आवर मॉडर्न इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पॉसिबल, इंक्लूडिंग टेलीविजन, ठीक है। रेडियो ट्यूब मतलब उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, एंड लाइट बल्ब से जो ये इलेक्ट्रिकल करंट है वो काफ़ी सारी और चीज़ों में भी यूज़ होता है ना। सो उसी इलेक्ट्रिकल करंट के इन्वेंशन की वजह से आज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि टेलीविज़न में भी इस चीज़ का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ होता है ना। सो द एडिसन इफेक्ट विच द प्रैक्टिकल एडिसन श्रग्ड ऑफ एंड इंटरेस्टिंग बट यूजलेस टर्न्ड आउट टू हैव मोर एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स देन एनी ऑफ हिज प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैड। तो फिर क्या हुआ, ये जो एडिसन इफेक्ट है, ये क्या क्या मतलब थॉमस एल्वा एडिसन ने इग्नोर कर दिया कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है बट मुझे इसका कोई भी मतलब प्रैक्टिकल यूज़ नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब उसको ये कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था वो कि हाँ इस चीज़ का भी कोई प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो ही श्रग्ड इट ऑफ, श्रग्ड इट ऑफ मतलब उसको ऐसा लगा कि हाँ ये ठीक है। तो फिर क्या किया उसने, अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया, इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया, बट अपने बाकी डिवाइसेस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़न टू शो द प्योर साइंस कैन बी यूजफुल, इट इज़ अ मच मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू फाइंड सम ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़न्ट यूजफुल। क्या मतलब मेन जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि साइंस को बताना कि साइंस का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि साइंस मतलब साइंस का कौन सी ब्रांच साइंस यूजफुल क्यों नहीं है। मतलब भाई हर चीज़ में साइंस का यूज़ है। वन ऑफ आउट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट वर्क ऑफ द फिजिसिस्ट ऑफ द 1930s एंड 40s देयर अनएक्सपेक्टेडली केम द न्यूक्लियर बॉम्ब। के फिजिसिस्ट मतलब रिसर्चर्स ही होते हैं, तो उनकी रिसर्च से क्या हुआ ना, 1930s एंड 40s में न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, बॉम्ब है ना, बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ 1930s एंड 40s में। एंड अ वर्ल्ड दैट नाउ लिव्स इन अ टेरर ऑफ अ पॉसिबल वॉर दैट कुड डिस्ट्रॉय मैनकाइंड इन अ डे, ठीक है। कि कई जो चीज़ें हैं मतलब साइंस की अच्छी भी हैं एंड कई चीज़ें बुरी भी है। देखो अगर कोई भी चीज़ है ना, उसका एक अच्छा एस्पेक्ट होगा एक बुरा एस्पेक्ट होगा। तो अभी साइंस का अच्छा एस्पेक्ट क्या है कि उसने हमें काफ़ी सारे इन्वेंशंस दिए, बट बुरा एस्पेक्ट क्या है कि उसने हमें काफ़ी सारे नुकसान भी दिए। फॉर एग्जांपल द बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, उससे क्या होता है मतलब सारे लोग मतलब एक डर में जी रहे हैं कि कभी भी कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए, ठीक है। जब भी कोई वार वगैरह होता है, वॉर मतलब जब भी कोई जंग वगैरह छिड़ती है, वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू, मतलब कितनी सारी जानें चली जाती हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंशन द वर्ल्ड लिव्स इन टेरर, ठीक है। वर्ल्ड अभी हर किसी के मन में एक डर बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट इट डिड नॉट ब्रिंग ओनली टेरर, आउट ऑफ दैट रिसर्च ऑल्सो केम रेडियो आइसोटोप्स। के एक थ्योरम से देखो दो चीज़ें बनी, ठीक है, एक ही थ्योरम से न्यूक्लियर बॉम्ब बना एंड दूसरे ही थ्योरम से रेडियो आइसोटोप्स बने, ठीक है। कि मतलब एक ही थ्योरम का एक अच्छा एंड एक बुरा यूज़ हुआ, ठीक है। अभी रेडियो आइसोटोप्स का क्या यूज़ है, वो मतलब विच हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रोब द वर्क ऑफ लिविंग टिश्यू विद अ डेलिकेसी अदरवाइज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड हुज फाइंडिंग्स हैव रेवोल्यूशनाइज मेडिसिन इन अ थाउजेंड वेज। उसका यूज़ मेडिकल रिसर्चेस में होता है, ठीक है, जो भी मेडिसिन वगैरह बनती है, ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स का उसमें यूज़ होता है। देयर आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन विच मे ऑफर मैनकाइंड द ब्राइटेस्ट होप ऑफ एम्पल एनर्जी ड्यूरिंग ऑल हिज फ्यूचर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर बनाई जाती है जो होप देती है मैनकाइंड को, ठीक है। सो देयर इज़ अ गुड यूज़ एंड अ बैड यूज़ ऑफ साइंस इन दिस पैराग्राफ। द पॉइंट इज़ दैट वी कैनॉट फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन डिटेल। कि हम मतलब जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसके हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज को पहले ही नहीं जान सकते कि हाँ ये रिसर्च हो रही है इसका बुरा यूज़ होगा इसका अच्छा यूज़ होगा। प्लाटो इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री डिड नॉट एनविसेज अ कंप्यूटराइज सोसाइटी। कि जब वो थ्योरी को मतलब पढ़ा रहे थे प्लाटो, अभी 370 BCE की बात हो रही है, हज़ारों सालों से भी पहले की बात हो रही है,
तभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जो ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है उससे आज के ज़माने में कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, खुद चलने वाली मशीनें बनाई जाएंगी। फरादे न्यू दैट इज मैग्नेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी बट ही श्योरली डिड नॉट फोर्सी अवर इलेक्ट्रीफाइड टेक्नोलॉजी। कि फरादे को ये तो पता था कि उसका जो भी ये थ्योरम था, यू नो, इलेक्ट्रिकल करंट का एंड मैग्नेट के रिएक्शन वाला, ये जो भी चीज़ थी ये इंटरेस्टिंग थी, ये एक न्यू बॉर्न बेबी थी, मतलब एक न्यूली यू नो इंट्रोड्यूस्ड आइडिया था, बट उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसका जो ये आइडिया है वो आज की इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा। एडिसन सर्टेनली डिड नॉट फोर्स योर टेलीविजन सेट व्हेन ही पजल्ड ओवर द इलेक्ट्रिक करंट दैट लीप्ड द वैक्यूम, एंड आइंस्टाइन व्हेन ही वर्कड आउट द इक्वेशन E=mc2 डिड नॉट फोर्स द एटॉमिक बॉम्ब्स मशरूम क्लाउड एज ही डिड सो। तो मतलब एडिसन ने भी मतलब ये कभी नहीं सोचा होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने, कि टेलीविजन सेट बनाए जाएंगे, जो उसने इलेक्ट्रिकल करंट का यू नो किया था, क्वेश्चन किया था कि हाँ इसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, ठीक है। तो एडिसन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके आइडिया से टेलीविजन सेट बनेंगे। देन एडिसन ने आइंस्टाइन, ठीक है, तो आइंस्टाइन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसका ये जो इक्वेशन था E=mc2 के उससे मतलब अटोमिक बॉम्ब्स बनाए जाएंगे, रेडियो इसोटोप्स बनाए जाएंगे, अटोमिक बॉम्ब्स मशरूम क्लाउड, ओके। तो अगर आपने कभी एटॉमिक बॉम्ब नहीं देखा है तो यू कैन इजीली यू नो सी इट ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, एंड यू कैन सी कि जब भी वो एक्सप्लोड होता है ना एटॉमिक बॉम्ब, तो एक मशरूम शेप क्लाउड बनाता है, वो एक मशरूम शेप का क्लाउड बनाता है। सो द एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बट वी कैन बी श्योर दैट इट विल बोथ हैव इट्स बेनिफिशियल एंड अनकम्फर्टेबल एस्पेक्ट। क्या हम मतलब ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि एक चीज़ का मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा साइंटिफिक रिसर्च है, बट हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि साइंस का बेनिफिशियल यूज़ भी है, हार्मफुल यूज़ भी है। इट रिमेन्स फॉर द विजडम ऑफ मैनकाइंड टू मेक डिसीजंस बाय विच एडवांसिंग नॉलेज विल बी यूज्ड फॉर। कि ये मतलब हमारे खुद के हाथों में है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें नॉलेज मिल रही है, उसका हमें अच्छा यूज़ करना है या फिर बुरा यूज़ करना है। द मटीरियल लॉट ऑफ मैन अनलेस एडवांसिंग नॉलेज प्रेजेंट्स इट व्हाट मैटर्स ओवर विच इज कैन मेक दोज डिसीजंस। ठीक है कि नॉलेज हमें मिल जा रही है बट ये हमारे हाथों में है कि हमें उससे मतलब क्या डिसीजन लेना है, हमें उसका अच्छा यूज़ करना है, हमें उसका बुरा यूज़ करना है। एंड व्हेन डिस्पाइट द मोस्ट केयरफुल डिसीजंस देयर कम्स डेंजरस साइड इफेक्ट्स ऑफ द न्यू नॉलेज ओनली स्टिल फॉर द एडवांसेस इन नॉलेज विल ऑफर होप फॉर करेक्शन। ठीक है कि जब भी कोई हमें न्यू नॉलेज मिलती है उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी होंगे, अच्छे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। एंड अगर डेंजरस हुए तो हम यही होप कर सकते हैं कि जो फ्यूचर में कोई भी रिसर्च होगी वो उस डेंजरस साइड इफेक्ट को ठीक कर सके। अनलेस वी कंटिन्यू विद साइंस एंड गैदर नॉलेज वेदर और नॉट इट सीम्स यूजफुल ऑन द स्पॉट वी विल बी बरीड अंडर अवर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड नो वे आउट। टुडे साइंस इज टुमारो सॉल्यूशन एंड टुमारो प्रॉब्लम टू। तो इस बारे में भी यही बताया गया है कि मतलब हमें साइंस एंड नॉलेज मिल रही है बट whether or not it seems useful on the spot we will be buried under our problems and find no way out। ki chahe hi wo acha matlab jo bhi hum knowledge gain kar rahe hain wo hame useful lage ya fir na lage ek cheez pakki hai ki wo kal ka future hai kal ka solution hai and kal ki problem bhi hai ki kal ko wo harm bhi pahunchayenge। ठीक है, सो दिस वॉज अवर चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव इट इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक द क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सून। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।